हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल का नाम है अर्केन ब्यूटी। समर्स आ गए हैं तो मैंने फर्स्ट क्राई का हॉल किया था रिसेंटली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस बार मैंने हॉपस्कॉच से कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए हैं समर्स के लिए, सो आज मैं उन सबका हॉल करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए। मैंने सैंडल, शूज, बूट और क्लोथ्स सारे बाय किए हैं, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिमांड के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हो सका तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी आप सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम हॉपस्कॉच के भी कपड़े बहुत अच्छे आते हैं, फर्स्ट क्राई की तरह ही बहुत सारी वेराइटीज जो है हॉपस्कॉच में आपको मिलती है, आप ऐप में भी देख सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां पर भी आपको हॉपस्कॉच के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो द फर्स्ट प्रोडक्ट है ये टी शर्ट, ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट मैंने बाय की है। इसकी क्वालिटी तो मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को पसंद थी। वी लव मिनी लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसका जो ब्रांड है आई डोंट नो ये किस ब्रांड की है, सम चाइना ब्रांड ही है ये, बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है समर्स के लिए। क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है बट प्रोडक्ट लाइट है, समर के अकॉर्डिंग है, बच्चों के लिए ठीक है। इस पे ये टाइगर का प्रिंट बना हुआ है, सो बच्चों को इस तरह के प्रिंट के टी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने बाय किया है वो है ये वाले शॉर्ट्स। ये थोड़े से लॉन्ग है, 3/4 है, रेड कलर के हैं और इसका डिजाइन अमेजिंग है, क्वालिटी अमेजिंग है और ये है वेल किड्स ब्रांड का, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। यहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट्स बंद हो गए इंडिया में आना, पता नहीं लेकिन कैसे आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। सो ये है तो वैसे बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत ही प्यारा है, रेड कलर है और ये थोड़े से 3/4 टाइप के हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हें नीचे से फोल्ड करके भी पहन सकते हैं। इसको मैं अपने बेटे को जो मैंने व्हाइट शर्ट फर्स्ट क्राई से लिया है उसके साथ में पेयर अप करने वाली हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर जाकर के देखिए और उस प्रोडक्ट को बाय कीजिए, बहुत ही अच्छी टी शर्ट थी वो। नेक्स्ट अगेन मैंने एक शॉर्ट बाय किया है, ये व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर है ये, यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ भी पॉकेट दी हुई है दोनों साइड, बैक में भी आप देख सकते हैं दोनों साइड पॉकेट्स हैं, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये अंदर से ऑरेंज कलर की बेल्ट है, ये ऑफ व्हाइट ऑरेंज और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है। ये मेरे बेटे को कमर में उसकी वेस्ट में तो आ रही है बट है ये बड़ी, क्योंकि इसका साइज जो है वो 6 to 7 ईयर्स के बच्चे का साइज है, पर मैंने इसे बाय कर लिया, ये कुछ 250 रुपीस की ही मुझे मिली है डिस्काउंट के बाद। सो मैं इनके एक्चुअल प्राइसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लिंक भी दे दूंगी अगर मुझे मिलेंगे तो। एक्चुअली ये मैंने ऐप से बाय की है तो पता नहीं लिंक वगैरह मिलेंगे या नहीं, बट मैं ट्राई करूंगी वेबसाइट पे इन्हें ढूंढ करके लिंक देने का। इसकी क्वालिटी अमेजिंग अमेजिंग है, यहाँ पर ये जो कलर किया हुआ है आप देख सकते हैं, ये शेड, ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, धागे से एम्ब्रॉयडरी करी है, ये पेंट नहीं है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, मुझे बहुत पसंद था। साइज बड़ा है, अभी उसको नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, लेकिन मैंने इसको ले लिया है क्योंकि छोटे साइज में ये था ही नहीं और इसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग थी कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया। द अनदर प्रोडक्ट इज अगेन सैंडो टी शर्ट, ग्रे कलर की सैंडो टी शर्ट है,
इसका ब्रांड है कुछ स्मार्टी बॉयज लिखा हुआ है, आई डोंट नो। और इसमें भी साइज मैंने बड़ा ही बाय किया है, बट इसमें सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है। गर्मियों में इस तरह की टी शर्ट जो है वो काफी यूजफुल होती है। इसका MRP 215 रुपीज यहाँ पे मेंशन है, बट ये 160 और 150 रुपीज का मुझे मिला है। क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग है, कलर बहुत अमेजिंग है। आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है ये ठीक से या नहीं, बट आप सामने से देखेंगे तो बहुत अमेजिंग कलर है, बहुत ही प्रिटी ग्रे कलर है। अनदर प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम hopscotch.com वो है ये वाला शॉर्ट, ये डेनिम का ब्लैक शॉर्ट है। इसकी वेस्ट में फुली इलास्टिक है, बैक में दोनों साइड पॉकेट्स दी हुई हैं और फ्रंट में भी दोनों साइड पॉकेट्स है। यहाँ पे थोड़ा सा रिप्ड करने की कोशिश की है, डिजाइन है यहाँ पे रिप्ड, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स हैं। क्वालिटी ऑल इन ऑल इसकी अमेजिंग क्वालिटी है। और ये मैं जो फर्स्ट क्राई से मैंने ब्लैक सॉरी जो रेड कलर की टी शर्ट बाय की थी उसके साथ मैं पेयर करूंगी, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। मैंने कुछ और प्रोडक्ट भी बाय किए हैं, मैंने सैंडल्स बाय की हैं जिन्हें आप क्लॉग्स कहते हैं, आजकल बच्चे इसे बहुत वेयर करते हैं, काफी कंफर्टेबल होती है। अगर बच्चा कभी गिर जाता है, मेरा बेटा चलता है गिरता है, अभी वो छोटा है 2 साल का नहीं हुआ है, तो कई बार गिर जाता है दौड़ता है तो ठोकर वगैरह बच्चों को लगती है, तो ये बहुत ही यूजफुल होते हैं इस टाइप के शूज। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका बच्चा छोटा है, 3 साल तक का आपका बच्चा है, तो आपको ऐसे ही सैंडल्स जो है वो बाय करने चाहिए, क्योंकि ये आगे से पैक होते हैं और बच्चों को अगर ठोकर लगती है, वो गिर जाते हैं, तो उन्हें चोट नहीं आती है, तो ये बहुत ही अच्छे और सेफ सैंडल्स हैं। क्वालिटी इनकी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा खास है, ये मुझे सिर्फ 250 रुपीस के मिले हैं, बट इसका डिजाइन बहुत ही अमेजिंग है। और साइज मैंने 24 बाय किया है, 3 साल के बच्चे तक का साइज मैंने बाय किया है, फिर भी ये मेरे बेटे को बिल्कुल प्रॉपरली फिट है, अभी वो 2 साल का भी नहीं हुआ है, तो ये उसको बिल्कुल प्रॉपरली फिट है। 2-4 महीने के बाद ये उसको नहीं आने वाली है, अगर उसके पैर बड़े हो गए तो उसको नहीं आएगी, तो मैं इसको जल्दी ही यूज कर लूंगी। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए बाय करना चाहते हैं, तो अपने बच्चे का आप जो है वो पैर का जो तलिया होता है उसका आप मेजरमेंट ले सकते हैं, और उसके हिसाब से आप साइज चार्ट को चेक करके फिर प्रोडक्ट को बाय करिए। प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये वाले बूट्स, ये मैंने अपने बेटे को विंटर में बाय किए थे, ये मैंने hopscotch की ही वेबसाइट से बाय किए हैं, बट मैंने ये Amazon से बाय किए हैं, hopscotch का ही ब्रांड है ये, बट ये मैंने Amazon से बाय किया है क्योंकि hopscotch में ये प्रोडक्ट नहीं था उस टाइम, तो मैंने Amazon से बाय कर लिया। ये मुझे कुछ 800 रुपीज के पड़े हैं, और इसमें जो मैंने साइज लिया है वो है 30। डिफरेंट डिफरेंट शूज और ब्रांड्स में जो है वो साइजेस डिफरेंट होते हैं, तो हमेशा आप साइज को पहले मेजर करिए, उसके बाद ही साइज चार्ट चेक करके बाय करिए। यहाँ पे देखिए जिप दी हुई है, इसको वेयर किया था, इसकी मैं इमेज लगा दूंगी आपको। थोड़ा ये थोड़े से बड़े हैं, मैंने बड़े आ गए थे वैसे, तो मैंने साइज तो मैंने उसका पैर चेक करके बाय किया था, मगर थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने इन्हें ले लिया। थोड़ा वो चलता है तो इसमें उसको चलने में प्रॉब्लम होती थी, तो ये थोड़े से बड़े हैं क्योंकि, तो साइज अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। बट अभी विंटर्स चले गए, उसने 2-4 बारी इसको वेयर किया है, तो अभी नेक्स्ट ईयर उसको काम आ जाएंगे। सो द स्टार ऑफ द हॉल इज दिस शूज, बहुत ही प्रिटी शूज है ये, बहुत ही प्यारा है ये, बिल्कुल जैसा इमेज में दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही है। और ये भी मुझे कुछ 800-850 रुपीस का मिला है, इसमें मैंने बाय किया है साइज नंबर 26। ये मेरे बेटे को जरा सा लूज है बिल्कुल, तो ये उसको आ जाएंगे अभी आराम से आते हैं उसको, थोड़े से लूज है, अच्छे हैं, कंफर्टेबल है उसको चलने के लिए। छोटे बच्चों को इस तरह के हल्के शूज लेने चाहिए जिन्हें आराम से पहन करके वो दौड़ भाग सकें, क्योंकि बच्चे खूब खेलते हैं और उन्हें चलने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बूट्स जो मैंने लिए विंटर्स में, ये थोड़े से लूज हैं और इससे चलने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक से चल नहीं पाता था, तो अभी मैंने ये बाय किए हैं और ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे जरूर बाय करिए, बहुत ही प्रिटी है, क्वालिटी अमेजिंग अमेजिंग है,
प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सेम है जैसा कि इमेज में दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही हाई क्वालिटी शूज है। सो ये था हॉपस्कॉच का हॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद बाय किए हैं अपने पैसों से इन प्रोडक्ट्स को। मुझे अच्छे लगे तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो आप भी आगे शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, अदरवाइज आपको आने वाले नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे।